Hold it. Inside हटो. Come अभी. Come. और पता है हम यहाँ पे दो आइस के बड़े बड़े स्टैचू लगाएंगे, एक मेल और एक फीमेल, वो भी घोड़े का. There is slight problem. घोड़ा जो होता है वो मेल होता है, तो इसलिए एक घोड़ा एक घोड़ी. Naughty. Hey you, इसे पकड़ो, ऐसे से पेन और डायरी निकाल के दो, जल्दी. Come on. और यहाँ पे ना हम दोनों स्टैचू जो बनवाएंगे ना वो फॉरनर से बनवाएंगे, यू नो. हाँ, पर दोनों फीमेल स्टैचूज बनाएंगे, इससे क्या होगा, ग्लैमर बढ़ेगी. चलो अब तुम्हें मेन एरिया दिखाते हैं, चलो. ओह माय गॉड, सॉरी वो यू गर्ल, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि साइड में खड़ी रहो, पर तुम मेरे सर में क्यों नाच रही हो. चलो हटो यहाँ से. तुमको इस घर में किसने रखा है, मेरा सारा फ्लो खराब करके रख दी तुम. जाओ यहां से, मूव. तुम्हें समझ में नहीं आता, चश्मिस के साथ साथ पहरी भी हो क्या. मैंने कहा हटो यहां से, जस्ट डिसअपीयर, हटो जाओ. पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर. ओह माय गॉड, फाइनली. मैं जो कुछ भी कहना चाहती थी, जो कुछ, वो सब कुछ रॉकी ने कह दिया अभी के सामने. Exactly. इसे बोलते हैं किसी और के कंधे पर रखकर बंदूक चलाना. I mean, that also so neat. Brilliant job. You know what? तुमसे ज्यादा चालबाज लड़की मैंने आज तक नहीं देखी. You know, Maria, ये सब कुछ मैंने तुमसे सीखा है. मैं अगर चालबाज हूँ तो तुम चालबाज, जालसाज सब कुछ हो. Okay, whatever. You know, but seriously, आज हमने वो अचीव किया जो हमने इतने टाइम में कभी अचीव नहीं किया था. रॉकी ने प्रज्ञा के बारे में कितनी बातें कही और अभी चुपचाप सुनता रहा. और अगर इसी जगह तुम या मैं कहती तो हमें कितनी बातें सुनाता, इतनी बातें बातें क्या, हमें शायद थप्पड़ ही मार देता. बट रॉकी, रॉकी जब उसे कह रहा था प्रज्ञा प्रज्ञा के बारे में तो चुपचाप सुन रहा था. उसकी रिस्पेक्ट जो करता है, उसका हर ओपिनियन, हर बात, हर हर फैसला सब कुछ मानता है. कुछ भी हो लेकिन मानना तो पड़ेगा. अब देखना रॉकी की कही एक एक बात अभी के दिमाग से निकलेगी नहीं, एंड इवेंचुअली उसे रियलाइज होगा कि प्रज्ञा उसके लायक नहीं है. ये तो है. यू नो व्हाट, इस रॉकी को इस वक्त पर हमारी लाइफ में लाना ना सबसे बढ़िया गेम प्लान था. आई मीन इतना बढ़िया कि ये पत्ता हमें हमारी गेम जितवा सकता है धनु. और जो कुछ भी उसने कहा बिल्कुल सही तो कहा. इसे जानती तो उसे मैं भी थी, लेकिन तुमने उसे यहाँ पर सही टाइम पर लाकर ये प्रूव कर दिया कि दिमाग तक तुम में भी है. आई एम वेरी इंप्रेस्ड आयमास से. और जो कुछ उसने कहा वो सुन के अच्छा भी लगा, गलत तो नहीं कहा उसने. अब बहन जी को कोई बहन जी नहीं बुलाएगा तो और क्या बुलाएगा. और वैसे भी एक बहन जी का मेरे इतने बड़े भाई रॉकस्टार के साथ क्या मेल. यू नो व्हाट तनु, आई एम सो हैप्पी. तुमने बिल्कुल सही काम किया आज. Brilliant job. Thank you, Alan. You know, मैं वैसे प्रज्ञा के नामकरण से भी खुश हूँ. अब तक हम उसे बहनजी बुलाते थे, लेकिन रॉकी ने उसे परफेक्ट नाम दिया. दिखने में नानी और काम में नौकरानी. अब यार, अब तू ही बता, शादी के बाद जब मैं उसका हाथ पकड़ के उसे पार्टी में लेके जाऊंगा तो मेरी इमेज तो फीकी पड़ जाएगी ना यार. या तो लोग मुझ पे हंसेंगे या फिर उन्हें मुझ पे दया आएगी कि मैं किस लड़की के चक्कर में फंस गया. देख, ये बात तो तू मानेगा कि प्रज्ञा मेरे टाइप की बिल्कुल नहीं. हो सकता है कि उसमें कोई कमी ना हो, लेकिन यार उसमें वो बात नहीं है, वो यू नो वो एक्स फैक्टर नहीं है. और आज मुझे रियलाइज हो रहा है कि मुझे कभी उससे प्यार ही नहीं था, सब एक इन्फैचुएशन था, एक अट्रैक्शन थी. यार प्रज्ञा दोस्त बनाने के लिए ठीक है, अफेयर करने के लिए ठीक है, लेकिन वाइफ के लिए बिल्कुल नहीं. मुझे अपनी वाइफ में क्वालिटीज चाहिए वो मेरे टाइप की हो, कि जब मैं उसके साथ चलूं तो लोग बोलें कि वाओ व्हाट अ कपल. और प्रज्ञा में वो क्वालिटीज नहीं है. इनफैक्ट वो रॉकी भी बिल्कुल सही कह रहा था कि वो मेरे लायक है. तेरा दिमाग खराब हो गया है पूरा. क्या बातें डाल ली है तूने अपने दिमाग में.
रॉकी की बात सुनकर तू इतनी अच्छी लड़की को रिजेक्ट कर रहा है? यार मैं उसे रिजेक्ट नहीं कर रहा हूं, जो गलती की है उसे सुधार रहा हूं, और अगर गलती टाइम से सुधार लो ना तो अच्छा रहता है, नहीं तो जिंदगी भर उस गलती की सजा भुगतनी पड़ती है, और सजा भुगत भी ले। लेकिन ये नहीं यार, मैं ऐसी लड़की के साथ कैसे शादी कर लूं जो मेरे टाइप की नहीं है, जिसे शादी करने के बाद दुनिया वाले हमेशा मेरा मजाक उड़ाएं। अब तू ही बता, जब हम गाड़ी लेने जाते हैं तो उसकी पावर के साथ साथ उसका स्टाइल भी तो देखते हैं ना, जब कपड़े लेने जाते हैं तो उसकी क्वालिटी के साथ उसका लुक्स भी तो देखते हैं। तो यार हम शादी जैसी चीजों में ये फंडे क्यों नहीं इस्तेमाल करते? लाइफ पार्टनर वो नहीं होते जिसे लेकर हम दुनिया में दिखावा करें या फिर दुनिया से कॉम्प्लीमेंट सुने कि वाह व्हाट अ कपल। लाइफ पार्टनर वो होते हैं जिसके साथ हम अपनी जिंदगी हंसते खेलते गुजार सके। लाइफ पार्टनर कोई ट्रॉफी नहीं होती पूरब, एक तसल्ली होती है जिसमें एक एहसास होता है कि इंसान जिंदगी भर कभी अकेला नहीं रहेगा, कभी दुखी नहीं रहेगा। शादी हम दुनिया के लिए नहीं करते पूरब, शादी हम अपने लिए करते हैं, अपनी खुशी के लिए करते हैं। ए पूरब, खूबसूरती जो होती है ना वो समय के साथ ढल जाती, लेकिन ईमानदारी, वफादारी और भरोसा जिंदगी भर इंसान के साथ रहते, और एक अच्छी बीवी में ये क्वालिटीज होना बहुत जरूरी है पूरब। तू ये मत सोचना कि कौन तेरे साथ अच्छी लगती, तू ये सोच कि किसके साथ रहना तुझे अच्छा लगता है। यार एक अच्छी बीवी वो होती है जिसके साथ इंसान को बात करना अच्छा लगे, अगर कोई काम पर जाए तो उसके लिए घर आना अच्छा लगे, जिसके साथ प्रॉब्लम्स ना लगे पूरब। एक अच्छी बीवी वो होती है जिसके साथ रहने पर किसी को दोस्त की जरूरत ना पड़े, जो बिना कहे तेरे दिल की बात समझ ले, जिसकी खुशी में तेरी खुशी हो और उसकी खुशी में तू खुश हो। यार और प्रज्ञा ऐसी लड़की है, उसमें ये सारी क्वालिटीज है, वो जिंदगी भर तुझे खुश रखेगी। देख पूरब, तुझे प्रज्ञा जैसी लड़की नहीं मिलेगी, इसलिए किसी की बातों में आकर अपने दिल को अनसुना मत कर। मैं जानता हूं उस रॉकी को बाकी बातों की बहुत नॉलेज है, बहुत समझ है, लेकिन ये मत भूल कि वो एक ऐसी सोसाइटी को बिलोंग करता है जहां पर लुक्स इज एवरीथिंग। तो जिसकी खूबसूरती कपड़ों से शुरू होकर कपड़ों पे खत्म होती है, वो किसी की खूबसूरती को कैसे समझ पाएगा? इसलिए मेरी बात मान, तू उसकी बातों को सीरियसली मत ले। अरे दीप, ये बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। और अगर आप ये सोच के रो रहे हो कि आप आलिया और तनु की चाल के आगे हार गए हो, तो ऐसा कुछ नहीं। इनफैक्ट आलिया और तनु ने जो अभी और आपके सामने दीवार खड़ी की थी, वो दीवार उन्हीं पे आके गिर गई। क्या मतलब? मतलब कि मैंने सिचुएशन का पूरा फायदा उठाया, मैंने जाके अभी से कह दिया कि रॉकी आपके बारे में जो कह रहा है वो बिल्कुल सही, मतलब कि आप मेरे लायक नहीं हो, और अगर मैं आपको बाहर लेके जाऊं तो लोग मुझ पे हंसेंगे। इनफैक्ट ये एंगेजमेंट टूट गई, इस बात की मुझे खुशी है। बात को संभालने की जगह तुम बात और बिगाड़ कर चले आए। एक तो मैं पहले से ही परेशान हूँ इस बात को लेकर कि वो इंसान जिनको ये इतना मानते हैं, जो इनके लिए इतना इम्पोर्टेंट है, वो इनसे कहकर गया है कि मैं इस घर में रहने लायक नहीं हूँ, ओल्ड फैशन्ड हूँ, ठीक नहीं हूँ, इस घर की नौकरानी बनने लायक नहीं। वो मुझे बेस्ट फ्रेंड तो क्या, सेक्रेटरी भी नहीं समझेगी। उसने बेइज्जत करने के लिए कोई कसर छोड़ी नहीं थी, और जो बाकी छोड़ी वो तुम पूरी करके आ गए। ओफो दीप, मैंने सभी बातें उसे इसलिए बोली हैं कि बातें एक्चुअली आपको अभी के फेवर में करेंगे। अब आप ये तो मानते हो ना कि जब भी आपके साथ कुछ बुरा होता है तो अभी आपको लेकर कितना प्रोटेक्टिव और केयरिंग हो जाता है, और फिर जब उस रॉकी ने अपनी रामायण सुनाई और उसके बाद जब मैंने अपनी रामायण सुनाई, तो 100% अभी आपके लिए और ज्यादा प्रोटेक्टिव और केयरिंग हो जाएगा। ती अभी आपसे बहुत प्यार करता है, इसलिए जब भी आपके बारे में कोई बुरा बोलता है तो उसके लिए आपका प्यार और ज्यादा बढ़ जाता है, इसलिए जब भी आप दोनों को कोई अलग करने की कोशिश करता है वो आपके और करीब आ जाता है। और फिर ये आलिया हो, तनु हो, या फिर ये रॉकी, ये आपको देखना चाहिए था जब मैं अभी के सामने आपकी बुराइयां कर रहा था, वो आपकी अच्छाइयां गिना रहा था, बोल रहा था कि शादी का क्या मतलब होता है, चेहरा नहीं देखना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट मेरा तो मन कर रहा था कि मैं उसकी बातें रिकॉर्ड करके जाके आलिया और तनु को सुना दूं। और सबसे हिट बात क्या रही, जब मैं आपकी बुराई कर रहा था तो उसने मुझ पर हाथ उठा दिया। उन्होंने मारा तुम्हें? हाँ तो नहीं, लेकिन मारने वाला था, और अगर मार ही देता तो अच्छा होता, कम से कम उसे पता तो चलता कि वो आपको लेकर कितना प्रोटेक्टिव। अब दी आप खुद सोचिए, जो इंसान आपके लिए अपने बचपन की दोस्त पे हाथ उठा सकता है, वो आपके लिए और क्या क्या कर सकता है। और वैसे भी दी, खेल तो अभी शुरू हुआ है, अब आप आगे आगे देखिए होता है क्या। तुम एक सो कॉल्ड लड़की के लिए ऐसा कह रहे हो? वो क्या है, एक मिडिल क्लास लड़की, बसूरत से चश्मिश लड़की? वरदान अगर उसके बारे में कुछ भी कहा था, मैं भूल जाऊंगा कि तू मेरा दोस्त था।
अभी वाह, अब उसके सामने मैं ठा हो गया, यानी तुम अपना फ्रेंड भी नहीं मान रहे। कीप इट अप अभी, कीप इट अप। तूने मेरे एहसानों का ये बदला दिया, तेरे एहसानों का ये बदला दिया कि अभी तक तुझे धक्के मारकर इस घर से नहीं निकाला। अब चुपचाप अपने आप चला जा, गेट आउट। फाइन, अगर तुझे मेरा ओपिनियन नहीं सुनना है तो मत सुनो, और ऐसे भी मैं यहाँ तनु से मिलने आया था। तू किसी से भी मिलने आया, जब तक तू लोगों की अच्छाई नहीं देख सकता, उनके साफ दिल की तारीफ नहीं कर सकता, तू तनु क्या किसी से नहीं मिल सकता। ये तेरी सो कॉल्ड शो ऑफ मीटिंग्स नहीं है रॉकी, जहाँ पर तू लोगों के कपड़े या उनके शक्ल पर कमेंट करे। ये मेरा घर है, यहाँ पर सूरत से ज्यादा सीरत को देखी जाती है, और दोनों ही नहीं है तुझमें। अब तुम मेरा इंसल्ट कर रहे हो। कैसी इंसल्ट? बेइज्जती उसकी होती है जिसकी कोई इज्जत हो, और जो औरतों की इज्जत नहीं करता ना, उसकी कोई इज्जत नहीं करता। मैं तो बिल्कुल नहीं। तू जानता है क्या प्रज्ञा को, जो तूने उसके बारे में इतना सब कुछ बोल दिया? तू जानता है वो कितनी पढ़ी लिखी है, कितनी इंटेलिजेंट है, उसका दिल कितना बड़ा है? नहीं ना, फिर भी तूने इतना सब कुछ बोला। लेवल की बात कर रहा था ना तू? अभी सुनो, मैं भी उसी बारे में सोच रही थी, सोचा कि तुमसे बात करूं, पर फिर लगा कि शायद तुम नाराज हो जाओगे। यू नो, मुझे भी बहुत बुरा लगा, और मुझे ये भी फील हुआ कि रॉकी को इस तरीके से प्रज्ञा के मुंह पे ही सारी बातें नहीं बोलनी चाहिए थी। आई मीन, जो सच है वो सच है, पर फिर भी यू नो, जो भी है, अब तुम्हें रियलाइज हो जाएगा। मतलब? सी, अभी बुरा मत मानना, पर ये तो हमें भी दिखता है कि प्रज्ञा कितनी सिंपल है। ना उसे कपड़े पहनने का सेंस है, ना हाई सोसाइटी में उठने बैठने का। आई मीन, लोग धीरे धीरे सीख जाते हैं, पर वो तुम्हारे साथ कितने टाइम से, लेकिन अब तक उसे ये समझ में नहीं आया कि हाउ टू ड्रेस अप, हाउ टू लुक क्लासी। पता नहीं उसे ऐसे बहनजी टाइप के कपड़े पहनने में क्या मजा आता है। और जब भी तुम उसे बाहर पार्टी में अपने साथ लेके जाते हो, यू नो, मेरे सारे दोस्त उस पर हंसते हैं। एंड ऑनेस्टली, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उसके बारे में, लेकिन मुझे ये फर्क पड़ता है कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे। लोग क्या सोचेंगे कि तुम्हारी तुम कैसे कैसे फ्रेंड्स बनाने लगे हो। और मैं ये सोचती हूँ कि उसे देख के तुम्हारी फैन फॉलोइंग ना कम हो जाए, तुम्हारे करियर पे असर ना पड़े। यू नो, अभी मैं सब कुछ देख सकती हूँ, लेकिन तुम्हारा डाउनफॉल नहीं देख सकती। आई होप तुम्हें ये समझ में आ गया होगा कि तुम कहीं भी बाहर जाते वक्त मेरे साथ अच्छे लगते हो, ना कि उस प्रज्ञा के साथ। रॉकी ने सब कुछ वो कहा जो मैं कहना चाहती थी, बट जो भी है, थैंक गॉड अब सब ठीक हो जाएगा, राइट? तुम भी उस रॉकी की तरह सोचती हो। मुझे लगा था तुम एक औरत हो, औरत की तरह सोचोगी, तुम में थोड़ी सेंसिबिलिटीज होगी कि ये सिर्फ अच्छा दिखना ही सब कुछ नहीं होता, बल्कि एक अच्छा इंसान बने रहना सब कुछ होता है। तुम मुझसे पूछती रहती थी ना कि मेरे साथ रहकर प्रज्ञा ने क्या सीखा। मैं तुमसे पूछता हूं कि मेरे साथ रहकर तुमने क्या सीखा। तुम्हें पता होना चाहिए था ना कि मुझे सिंपल लोग पसंद। मैं रॉकस्टार बनकर घूमता हूँ क्योंकि ये मेरा काम है, लेकिन अंदर से तो मैं सोबर हूँ, सिंपल हूँ ना। पता है, जितना गुस्सा मुझे रॉकी पर आ रहा है, नहीं, अफसोस तुम पर हो रहा है, और अपने आप पर भी, कि मैं एक ऐसे इंसान से शादी करने जा रहा हूँ जिसकी सोच ऐसी। तुम लोग ना प्रज्ञा को समझ पाए ना मुझे। It's sad. It's really sad. सरला, जा हलवा लेके आ। मैं हलवा लेकर आती हूँ, आज सुबह ही बनाया है मैंने। अरे नहीं आंटी जी, आप क्यों तकलीफ ले रही है, रहने दो ना। अरे माएं जब बच्चों के लिए कुछ करती है ना, तो वो तकलीफ नहीं होती। और वैसे भी जब मैंने सुबह हलवा बनाया था ना, तो मैंने प्रज्ञा से कह दिया था कि कल जब जाएगी ना, तो आपके लिए खास थोड़ा सा लेके जाएगी। और देखो आप यहीं आ गए। अब जब आप आ ही गए हो, तो अपने हाथों से खिलाती हूँ मैं। वैसे भी आपको तो मेरे हाथों का हलवा बहुत पसंद है ना। आप दो मिनट बैठो, मैं बस अभी लेकर आती हूँ। बैठो बैठो बेटा, आओ बैठो। पत्ते देखिए, मैं तो उससे बताना ही भूल गई, मैं भी आई। बेटा तुम लोग बात करो। आप यहाँ सुबह सुबह इस वक्त
क्यों? यहाँ पर आने के लिए मुझे वक्त देखना पड़ेगा। नहीं, मेरा मतलब। अच्छा, तो अब तुम मुझसे मतलब की बात करोगी? एक्चुअली मुझे तुमसे कुछ काम था। क्या काम? पहले तुम्हें बताओ, दादी क्या कह रही थी, किसके प्यार का असर दिखने लगा? वो कुछ नहीं, आप बताइए ना, काम क्या था आपको? मुझे तुम्हें बाहर ले जाना था, अभी इसी वक्त। कहाँ? डेट पे? हाँ, डेट पे जाना है, लेकिन जैसे कि मैंने कहा, अभी जाना है, अभी, come on। अभी? हाँ, क्योंकि अगर सरला आंटी आ गई तो खिला खिला कर यहीं पर सुला देंगी। नहीं, लेकिन आपको तो उनके हाथ का हलवा बहुत पसंद है, आप उस हलवे से ही भाग रहे। हाँ, बहुत पसंद है, मेरा बस करे तो मैं यहीं पर सेटल हो जाऊं और जिंदगी भर उनके हाथों का खाना खाऊं, लेकिन फिलहाल मैं खाने के बारे में नहीं सोच रहा, मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ। मैं बहुत परेशान हूँ, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? आप परेशान क्यों हैं? वो सब मैं बताऊंगा ना तुम्हें, तुम चलो तो सही मेरे साथ। अरे, अगर मेरी माँ को पता चला ना कि आपके साथ भाग गई तो? कौन सा शादी के लिए भागा कर ले जा रहा हूँ, तुम चलो, बात करनी है। सुन लेगी ना माँ, इसलिए तो बोल रहा हूँ चलो, इससे पहले कि वो आ जाए। ऐसे नहीं मानोगे ना, चलो। अरे कोई नहीं, आप जो सोच रहे वो नहीं है, इधर इधर देखिए, इधर आइए। यहीं खड़ी रही। क्या कर रही हो तुम? तुम गला तो नहीं घोट रही हो? गला नहीं घोट रही हूँ, आपका मुंह छुपा रही, किसी ने पहचान लिया तो? पहचान लिया तो ठीक है ना, उनका स्टार उनके बीच में आ गया, दे विल हैव गुड टाइम। ये आपका रॉक कॉन्सर्ट नहीं है जहाँ आपके बॉडीगार्ड्स हैं, यहाँ किसी ने पहचान लिया ना तो यहाँ से भागते हुए नजर आएंगे, और तो और वो इतनी फोटोज और ऑटोग्राफ्स, वो सब तो हम एंजॉय कैसे करेंगे? पॉइंट तो है, तो इसीलिए चलिए आइए मेरे साथ। भैया मद है? हाँ, तो मद के, एक मिनट, यहाँ क्या कर रहे हैं आप? हम आइसक्रीम खाने आए ना। आइसक्रीम नहीं, गोला खाने आए। चलिए गोला। हाँ भैया, तो मद डाल के ना रोज वाला बनना स्पेशल। अरे गोला तो बच्चे खाते। हाँ, और नहीं तो क्या, बच्चों वाले काम करेंगे तभी तो बच्चों जैसे मजे कर सकेंगे। आपको पता है बचपन से मुझे ना गोला खाने का बड़ा शौक था, स्कूल के बाद मैं और बुलबुल एक साथ। क्या रुकी हुई? ये बुलबुल कौन है? बुलबुल मेरी बहन थी। बहन थी मतलब? वो अब इस दुनिया में नहीं। सॉरी, मुझे नहीं पता था तुम्हारी एक छोटी बहन भी है, क्या हुआ उसे? ओके, अगर तुम्हें इस बारे में बात नहीं करनी तो। नहीं, कोई बात नहीं, वो एक्चुअली एक्सीडेंट। आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था कि तुम्हारी एक छोटी बहन भी है। सब पता है आपको, बस याद नहीं। नहीं, वो शायद आपने ध्यान नहीं दिया, मेरे घर पे बुलबुल की तस्वीरें हैं बहुत सारी, हम दोनों के साथ में भी है फोटो, मैंने कभी पूछा नहीं तो बताया नहीं मैंने। मैं तुम्हें हॉट और कूल इसलिए नहीं बनाना चाहता कि तुम मुझे अच्छी नहीं लगता है, जिस तरह तुम मुझे अच्छी लगती है ना, उसी तरह मैं चाहता हूँ कि बाकी के लोग भी तुम्हें उसी तरह पसंद करें। देखिए, ये बहुत हो गया, ये आपका हॉट और कूल, हॉट और कूल, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मैं जैसी हूँ ठीक हूँ बस। ठीक नहीं हो, तुम तो मस्त हो, लेकिन मैं तुम्हें इसलिए बोल रहा हूँ कि देखो, ये बात तो मानती हो कि तुम मुझे अच्छी लगती हो, राइट? तो मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरी पसंद है ना,
उसे लोग भी अप्रिशिएट करें, उसके बारे में अच्छा अच्छा बोले, उसे वो लोग अपनी नजर से भी देख पाए, सिर्फ मेरी नजर से ना देखें। तो इसीलिए मैं तुम्हें हॉट और कूल बनाना चाहता हूं। डोंट वरी, मैं हूं ना, मैं तुम्हें ट्रेनिंग दूंगा। आई मेक यू रियली हॉट एंड कूल। ऐसा करने से आपको खुशी मिलेगी? बहुत ज्यादा। फिर ठीक है, आपकी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। थैंक यू सो मच। मुझे पता था कि तुम मुझे मना नहीं करोगी। पूरब ठीक कहता है, दुनिया जितना मुझे इनसे दूर करना चाहेगी, ये उतना ही मेरे करीब आएंगे। पहले सिर्फ केयर करते थे, लगता है शायद प्यार करने लगे। तनु नीचे है, अब जल्दी से उसकी कब्र चेक कर लेता हूँ। ये फुगी को फिट आएगी कि नहीं? नहीं, ये तो बहुत छोटी है। और ये क्या है? इसका तो उल्टा सीधा समझ में ही नहीं आ रहा। नहीं, इसमें क्लास ही नहीं लगेगी। हाँ, ये ठीक है, इसमें प्रज्ञा लगेगी एकदम कूल एंड हॉट। बस तनु को पता ना चले कि उसकी कोई ड्रेस गायब हो गई है। वैसे इतनी सारी ड्रेसेस हैं, एक गायब भी हो गई तो उसे क्या पता चलेगा। अभी? हाँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ, मेरा घर है, मैं जो मर्जी करूँ। घर तुम्हारा है अभी, लेकिन ये रूम मेरा है। तुम इस रूम में क्या कर रहे हो? ये तुम्हारा रूम है अभी? हाँ, मैं वो तुम्हें ढूंढ रहा था ना। मैं कबर्ड में, कबर्ड खुली थी तो मुझे लगा शायद तुम अंदर होंगे। मैंने क्या किया, उसकी घड़ी की बैटरी निकाली बाहर और उसको सोने के लिए भेज दिया। कैसे? जब वो रसोई में पानी पीने गई, मैंने जाके बोल दिया अभी आया था, प्रज्ञा को छोड़ गया, बहुत थकी हुई है, मैंने उसे सोने भेज और उसको सुला दिया। आपने मुझसे झूठ बोला? तो तू कान लगाकर हमारी बातें सुन रही? बीजी, आपसे ही सीखा है मैंने, मायके से सीख के नहीं आई थी मैं। पर ये नहीं सीखा, जब दो समझदार लोग खास बातें कर रहे हो रोमांस की, तो बीच में टांग नहीं अड़ानी चाहिए। पता भी है मैं कल रात क्या क्या हुआ वो जानना चाह रही। बीजी, वो अभी भी सुनाएगी, और आप अकेले क्यों सुनोगे उसकी स्टोरी? मैं भी सुनूंगी, चल मुझे भी सुना। वैसे मैं आपको बता दूं कि मैं सोई नहीं थी, मैं जाग रही थी, और मैंने खुद देखा खिड़की से कि कैसे अभी तेरा दुपट्टा संभाल रहा था। चल बता क्या क्या हुआ। अरे पीछे देखो कैसे शर्मा रही है छोटे बच्चों की तरह। हम तेरे पति के बारे में बात कर रहे हैं, किसी और के बारे में नहीं। ऐसा कुछ हुआ ही नहीं जैसा आप लोग सोच रहे, वो तो कुछ और ही बातें कर रहे थे। क्या? हाँ दादी, और जो बात कर रहे थे वो मेरी भी कुछ समझ में नहीं आया। पता नहीं क्या बोल रहे थे, मुझे हॉट और कूल दोनों देखना चाहते हैं, और मेरा मॉडर्न रूप दिखाना है उनको। और दादी आप पहले मुझे ये बताओ, एक ही इंसान एक ही वक्त पर हॉट और कूल दोनों एक साथ कैसे हो सकता है? अच्छा, तो ये कहा उसने? हाँ मैं समझ गई। अब तो देखना तुझे हॉट एंड कूल बनाने के लिए अभी क्या क्या करता है। बेटा जी, वो आपको दुकान वापस जाना पड़ेगा, ये लगता है किसी छोटी बच्ची का कोई कपड़ा आ गया है ना, ये वापस कर दो आप। सरलांटी, ये स्कर्ट है ना, इट्स कॉल्ड कंजर्वेटिव मिनीज, है ना गर्ल्स? बहुत ही प्यारा ड्रेस है। ये जो भी कपड़े निकाल रही हूँ कुछ अब आप ही निकालो, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप
लोग रुकी ना, मैं आप लोगों को बेस्ट ऑफ द बेस्ट ड्रेस दिखाऊंगा। वेट वन सेकंड, ऐसा ड्रेस निकालूंगा जो सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट है। ये है बेस्ट ऑफ द बेस्ट ड्रेस। है ना कमाल का? ये है क्या दादी? ये LBD है। वो क्या होता है? LBD होता है द लिटिल ब्लैक ड्रेस। ओ, और इसे पहनकर हमारी प्रज्ञा लगेगी HBRD। दादी ये HBRD क्या है? हमारी प्यारी राज दुलारी। मैं उधर क्यों देखूं? अब नहीं तो बाद में तो मुझे देखना ही है, तभी दिखा लो। जो भी है आप इस वक्त उस तरफ देखिए। ठीक है मैं देख लेता हूं। सुंदर लग रही है हमारी प्रज्ञा, एकदम मॉडल। सर उसे बाहर लेंगे। तुम्हारे खींचने से ड्रेस लंबा नहीं हो जाएगा। हाँ तो जैसा है वैसे रहने दो। अच्छी लग रही हो तुम, ग्रेसफुल, नाइस, ब्यूटीफुल, हॉट, सब कुछ। फुगी उठो, एक सेकंड, उठो उठो आराम से। चलो अब आगे खोलो, ओपन योर आईज। लग रही है नहीं, एकदम मॉडल। देखो लुक 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 ची! क्या ची, कमाल लग रही हो, सुपर्ब लग रही हो। क्या कोई मेकअप करता है क्या? क्या करी है? मर रही हो? आंखों में कुछ चला गया, एक तो आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा। अच्छा दिखाओ। अरे मुझे दिखाओ, मैं फूंक मार के निकाल लेता हूँ ना। नहीं गड़बड़ है सब। पागल हो गई हो तुम? अगर आप में चला गया था तो मुझे बोल देती ना, घसने की क्या जरूरत थी? पहले तुमसे नहीं हो पा रहा था, अब मुझसे नहीं होगा। पागल था मैं जो पत्थर पे सर मारा था। अब तो घंटी भी बजने लगी। फोन बज रहा है। फोन बज रहा है, मैं मार दूंगा फोन इसको। देखो क्या कर दिया। हेलो, ऐसा भी क्या? पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर।